they are necessary for exchanging gases, with the atmosphere. Transpiration, bracket में लिखेंगे, loss of water, कर दीजिए, ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा, तो देखिएगा, हमने ये देखा कि स्टोमेटा क्या होता है कि जो लीव्स होते हैं, लीव्स में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और जो छोटे छोटे पोर्स हैं उन्हीं को हम स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि स्टोमेटा को दो गार्ड सेल्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं। वो कैसे होते हैं, जैसे कि किडनी शेप्ड सेल, जैसे राजमा होता है ना, राजमा है ना, राजमा वाली शेप के होते हैं। तो वो जो गार्ड सेल्स होते हैं उनका काम क्या होता है, स्टोमेटा को प्रोटेक्शन देने का, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। फिर होता क्या है कि इसमें खास चीज़ ये होती है, क्योंकि ये छोटे छोटे पोर्स हैं, तो ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं इनके थ्रू क्या होता है कि जब धूप निकलती है या जब तेज़ी से हवा चलती है तो तब क्या होता है कि तब वाटर का लॉस होना शुरू होता है, इवेपोरेशन होता है। तो इवेपोरेशन जब लीव्स के स्मॉल स्मॉल पोर्स में से होता है तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो लीव्स के जो स्मॉल स्मॉल पोर्स हैं उसमें से जो वाटर का लॉस होता है वो भी किसके थ्रू होता है, वो जो स्मॉल स्मॉल पोर्स हैं वो क्या है, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा की वजह से ही ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स। नेक्स्ट लिखेंगे स्टोमेटा के सेल्स डेड होते हैं ना, एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स, हूज फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन। Cells of the roots whose function is water absorption. Epidermal cells of the roots whose function is water absorption, commonly bear long hair-like parts. Total
एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। स्टार बना लेना इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर स्टार क्यों बनवा रहा हूँ कि सरफेस एरिया किस तरीके से इंक्रीज होता है। देखो ऐसा होता है कि जब हम बात करते हैं ना एपिडर्मल सेल्स की, जो एपिडर्मल सेल्स चूँकि रूट्स के अंदर होते हैं, तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स होंगे ज़मीन के अंदर। तो हमने ये कहा कि मान लीजिए ये ग्राउंड का लेवल है और ऊपर तो इस तरह से यहाँ से स्टेम जा रहा है, और यहाँ से हमने देखा कि ये इस तरीके से रूट है, ये रूट इस तरह से निकल रही है। तो यहाँ से जो रूट है ना, ये ऐसा नहीं होता कि इस तरह से कोई चार ऐसे चार लाइनें होंगी ऐसे स्ट्रेट, है ना। क्या होगा कि इसमें से भी छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे होंगे बाहर ऐसे। तो होगा क्या इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर से, होगा क्या? देखिए रूट जो है, रूट का तो एक पर्टिकुलर सर्फेस एरिया है, वो तो उतना सर्फेस एरिया उसका होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे कम नहीं हो सकता। लेकिन क्या होगा कि जो छोटे छोटे हेयर्स इसमें से निकल रहे हैं, इससे क्या होगा कि इनका भी तो कुछ ना कुछ सरफेस एरिया होगा, थोड़ा सा ही सही पर कुछ ना कुछ तो होगा जो बारीक बारीक से हेयर्स हैं। तो इससे होता क्या है कि ये जितने हैं, जितने भी हेयर्स हैं, उन सबका सरफेस एरिया जो है वो भी रूट के सरफेस एरिया में ऐड हो जाएगा। और सब में एपिडर्मल सेल्स होते हैं, यानी कि सब में स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं। तो यहाँ पर जो काम लीव करती है उसका जस्ट उल्टा काम होता है। जो लीव करती है, लीव में क्या होता है कि लीव के जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनके थ्रू वाटर का लॉस होता है। सुन लीजिए दोबारा, लीव के जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनके थ्रू वाटर निकलता है, इवेपोरेट होता है, जिसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। लेकिन रूट में उल्टा काम होता है कि वो जो स्मॉल स्मॉल पोर्स हैं उनके थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करती है रूट्स। रूट्स जब वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी तो वाटर को ग्रोथ के लिए हेल्पफुल जो चीज़ होती है, पानी जो होता है, वो पानी उनको मिलेगा। ठीक है, तो हाँ इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि एक का एरिया ज़्यादा होता है, एक का एरिया कम। वैसे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक जो है वो वाइड एरिया कवर करता है और एक जो है वो नैरो एरिया कवर करता है। ये मेन इसमें डिफरेंस होता है। और यहाँ पर जो मैं सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ, तो सरफेस एरिया आप शायद समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए मैं एक बारीक से थर्ड लाइक स्ट्रक्चर की, बारीक से हेयर की भी मैं बात करूँ, तो अगर इसको भी अगर मान लीजिए हमारे बाल, हमारे जो सर का एक बाल है, अगर हम उसको भी निकाल कर देखें, तो उसको हमने ऐसा स्ट्रेट सीधा खींच लिया, और इसको अगर मैं मैग्नीफाई करके देखूँगा ना, अगर हम इसको मैग्नीफाई करके देखेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो हमको यही जो हेयर है वो इतना मोटा दिखाई देगा। अब जब वो मोटा दिखाई देगा तो इसका मतलब क्या है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, जैसे कि कोई सिलेंडर हो। और जो सिलेंडर है, सिलेंडर का सरफेस एरिया तो होता है टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πRH। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कि 2πRH में आप ऊपर का पाई आर स्क्वायर और नीचे का पाई आर स्क्वायर और ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो बारीक बारीक से जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये भी क्या काम करते हैं, ये भी पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। जैसे कि एक टॉवल होता है, जो तौलिया होता है, उसमें आप देखिएगा क्या होता है कि अगर बेसिकली देखा जाए तो वो किसका बनता है, एक पतली सी शीट का बनता है, कपड़े की एक पतली सी शीट होती है। उस शीट के ऊपर छोटे 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 आपने देखा होगा थ्रेड्स लगे रहते हैं। तो वो जो छोटे छोटे थ्रेड्स हैं वो करते क्या हैं, वो बेसिकली वो जो शीट है वो उसका सरफेस एरिया बना देते हैं। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी ज़्यादा उसकी वाटर एब्जॉर्ब करने की पावर। वो हम जरा सा अपने हाथ से ऐसे घुमाते हैं, पूरा हाथ सूख जाता है। ठीक है ना, तो अभी सोचा होगा ना कि भाई मतलब टॉवल है तो टॉवल की जगह पतली सी चादर क्यों नहीं यूज़ कर लेते पोंछने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, उसका फ़ायदा नहीं होगा ना। पता चला कि आपने सर पोंछा और पूरे चादर गीली हो गई। ठीक है, बॉडी पोंछने का नंबर ही नहीं आ पा रहा, बॉडी पोंछ ही नहीं जा रही है, घुमा रहे हैं उसको, पता चला वही गीला हो गया, उससे क्या पोंछ। समझ गए, ठीक, चलिए जी, तो आगे चलते हैं। उसके बाद नोट करें, इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स, उसका शांत लैंडिंग के लिए बोला कि इसमें हाथ रख के जाएंगे।
प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स बाहर निकलती बोलती शुरू लाइक डेजर्ट प्लांट्स एपिडर्मिस हैज अ थिक वैक्सी कोटिंग like desert plants, epidermis has a thick waxy coating of cutin bracket mein likhiyega chemical substance with waterproof quality on its outer surface. Chemical substance with waterproof quality on its outer surface. Mara exam tha aaj. Theek ho gaya. Tumhara tumhara jante ho apne se. Wo bhi DPSR mein ho na tumhe. DPSR mein. Tumhari society se. AWC ya. अच्छा KW जो दो हैं सेम स्कूल में हो तो देखा ही होगा फिर क्वेश्चन नोट करें देखिए क्या होता है कि इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स तो डेजर्ट में कौन सा प्लांट मिलता है ज़्यादातर कैक्टस ठीक है तो कैक्टस को अगर आप देखेंगे तो कैक्टस के कांटों को छूने की कोशिश ना करें उसके अलावा जो उसकी सरफेस होती है उसको अगर आप छूकर देखेंगे ना तो बड़ी स्मूथ सरफेस होती है ऐसी रफ सरफेस नहीं होती जैसे कि नीम का पौधा आपने छू लिया या कोई और पौधा आप छू लेंगे तो उसकी सरफेस जो है वो रफ होती है लेकिन कैक्टस की सरफेस जो है एक्सक्लूडिंग इट्स थॉट्स कांटों को हटा दीजिए कांटों के अलावा जो सरफेस है वो काफ़ी स्मूथ होती है सरफेस तो उसकी जो एक्सटीरियर सरफेस होती है उस पर एक वैक्सी सब्सटेंस जो है जिसको क्यूटिन बोलते हैं वो डिपॉजिट हो जाता है तो वो क्या करता है वो वाटर प्रूफिंग का काम करता है कि वाटर जो है देखिए लॉस तो वाटर का होगा बहुत कम लॉस होता है नाम के लिए लॉस होता है क्यों अगर वाटर का लॉस उसमें से होना शुरू हो जाएगा तो फिर कैक्टस को जिंदा ही नहीं बच पाएगा ना क्योंकि वहाँ पानी तो मिलता नहीं है डेजर्ट में डेजर्ट में पानी मिलता नहीं है वो कितना रेत खाएगा अभी रेत कितना खाएगा रेत ही रेत है सर और सन जो है वो तो और तेज चमकता है वहाँ पर ठीक तो इस वजह से उस पर एक थिक वैक्सी कोटिंग हो जाती है वो वैक्सी कोटिंग किसकी होती है क्यूटिन की होती है दैट इज अ केमिकल सब्सटेंस विद वाटर प्रूफ क्वालिटी ऑन इट्स आउटर सर्फेस तो कैक्टस के आउटर सर्फेस पर एक वैक्सी कोटिंग हो जाती है वो वैक्सी कोटिंग किस सब्सटेंस की बनी होती है क्यूटिन की जिसकी वजह से लॉस ऑफ वाटर ना हो लॉस ऑफ वाटर होगा तो भाई कैक्टस ही बर्बाद हो जाएगा उसको पानी तो कहीं से मिल नहीं रहा ठीक है चलिए तो कैक्टस की एक खास बात ये होती है कि अगर मान लीजिए आप अपने घर में कैक्टस लाकर लगा दें तो महीनों तक पानी मत दो उसको उसका भी बिगड़ता ही नहीं वैसा ही दिखता है नॉर्मली भी देखेंगे तो भी बुरा ही दिखता है तो पानी वानी डाल दोगे तब भी बुरा ही दिखेगा उसमें कुछ है ही नहीं ठीक है बचना और पड़ता है उससे पता चला कि कुछ ढीला सा कुर्ता पजामा पहन के निकल गया पता चला कि टकरा गया और फट गया ये भी होती है प्रॉब्लम चलिए मैक्सिमम जो एरिया है क्या चीज़ क्या होगा गैस एक्सचेंज ऐसे होती है फिर जो जहाँ 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 पर थॉर्न्स है ना तो वो जो एरिया है उस एरिया पर जो बहुत थोड़ा सा हिस्सा है जहाँ पर थॉर्न्स अटैच्ड है उस एरिया में से गैसेस का एक्सचेंज होता है बस बाकी तो पूरा का पूरा कवर कर दिया जाता है क्योंकि गैसेस के एक्सचेंज के चक्कर में वाटर खत्म हो जाएगा ठीक है तो इसलिए वो ज़्यादा सांस लेना प्रेफर नहीं करता चलिए जी नोट कीजिए इज द आउटर लेयर ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ ट्री एक क्वेश्चन नोट करेंगे
इज द आउटर लेयर ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ ट्री ऑफ अ is the outer layer of a branch of a tree different from the outer layer of a young stem? द आउटर लेयर ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, अगर मान लीजिए कोई ट्री है तो ट्री की जो कोई भी अगर ब्रांच है तो उसकी जो आउटर लेयर है वो किसी यंग स्टेम मतलब जो अभी अभी पैदा हुआ है, नया स्टेम है, तो उसकी जो आउटर सर्फेस है, यंग स्टेम की आउटर सर्फेस और ट्री के जो किसी भी ब्रांच के आउटर सर्फेस है उनमें कुछ डिफरेंस होता है। हाँ जी, नोट करें इसका आंसर। As plants grow older, the outer protective tissue undergoes certain changes. Full stop. A strip of secondary meristem replaces the epidermis of the stem. A strip of secondary meristem replaces the epidermis of the stem. Don't stop. Cells on the outside are cut off from this layer. Cells on the outside are cut off from this layer. This forms the several layer thick cork. This forms the several layer thick cork or bark of the tree. Most of cells of cork are dead and compactly arranged.
cells of Koth are dead and compactly arranged without intracellular spaces. They also have a chemical called shubarin, that makes them in their walls that makes them impervious to gases and water. इसका मतलब क्या है कि हाँ जी अंतर होता है. जो सवाल है, सवाल ये पूछा गया था कि इज द आउटर लेयर ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ अ यंग स्टेम. कि अगर किसी ट्री की ब्रांच की बात करी जाती है तो उसकी जो आउटर लेयर है वो क्या किसी यंग स्टेम की आउटर लेयर से डिफरेंट होती है क्या अलग होती है. तो सवाल ये इन्होंने पूछा, तो हमने कहा कि हाँ जी होती है. किस तरह से? एज प्लांट्स ग्रो ओल्डर, जैसे कि प्लांट्स की जो एज है वो धीरे 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 बढ़ती जाती है. एज प्लांट्स ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगोस सर्टेन चेंजेस. जो बाहर की जो उसकी प्रोटेक्टिव टिश्यू है उसमें कुछ चेंजेस होते चले जाते हैं. कैसे? अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम रिप्लेसेस द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम. वो जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो क्या हो गया? हम ये कहेंगे हमने मेरिस्टेम जो है वो तो तीन तरीके के देखे थे, लेटरल, एपिकल और इंट्राकैंड्री. वो हमने देखा था इंट्राकैंड्री बीच वाला होता है, एपिकल जो है वो ऊपर वाला होता है. एक मिनट. तो जो हमने ये कहा कि जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू होती है, मेरिस्टमैटिक टिश्यू तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंट्राकैंड्री मेरिस्टम. इन तीन पार्ट्स में वो डिवाइडेड होती है. तो अब आप ये देखेंगे इसमें क्या है. अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम रिप्लेसेस द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम. सेकेंडरी मेरिस्टेम का मतलब क्या है कि ऊपर जो लेयर बनी हुई है उसमें क्या होता है कि धीरे 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 ऊपर वाली जो लेयर है वो हार्ड हो जाती है, और जो नीचे वाली लेयर है, नीचे वाली लेयर जब ऊपर वाली जो लेयर है वो पील ऑफ करके निकलने लगती है, तो जो नीचे वाली लेयर है जिसको हम सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं वही ऊपर वाली लेयर बन जाती है. समझ गए? आप मान लीजिए ना कि अगर प्लांट है तो प्लांट के ऊपर वाली जो लेयर है वो धीरे 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 जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी तो वो पील ऑफ कर जाएगी, बाहर निकल कर टूट टूट कर धीरे धीरे वो गिरती है. तो जो अंदर वाली लेयर है वही फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम वाली जो लेयर है वही फिर एक्सटीरियर लेयर का काम करेगी. तो सेल्स ऑन द आउटसाइड आर कट ऑफ फ्रॉम दिस लेयर. तो जो बाहर वाले सेल्स हैं वो कट ऑफ हो जाते हैं, मतलब कट के मतलब अलग हो जाते हैं. तो दिस फॉर्म्स द सेल लेयर थिक कॉर्क और बार्क ऑफ द ट्री. तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है कि धीरे धीरे जो बाहर वाली लेयर है वो खत्म हो जाती है और जो नीचे वाली जो लेयर्स हैं सेकेंडरी लेयर्स हैं वही धीरे 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 बाहर वाली लेयर का रूप ले लेती है. तो इस तरह से हम ये बोलते हैं कि जितनी भी लेयर्स हैं वो धीरे 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 करके बाहर की तरफ आकर एक के ऊपर एक लेयर जमा होती चली जाती है. तो इसी तरीके से जो बार्क है ना ट्री का या स्टेम जो है ट्री का वो कैसा हो जाता है? बहुत टफ हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है एक के बाद एक. और ये कब होता है? ये होता है एज के साथ. जैसे 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 एज बढ़ती जाती है ट्री की वो वैसे वैसे जो उसका बार्क है वो मोटा होता जाता है, थिक होता चला जाता है. हाँ, अब सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंट्रासेलुलर स्पेसेस. तो जो कॉर्क होता है उसके जो सेल्स होते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली, मतलब आपस में फिक्स्ड होते हैं ताकि उनके बीच में कोई इंट्रासेलुलर स्पेस होता ही नहीं है. ठीक, इंट्रासेलुलर स्पेस किसी तरीके का नहीं होता.
they also have a chemical called sugarin in their walls that makes them impervious to gases and water. तो उनमें एक सब्सटेंस और होता है सुग्रीन होता है, तो उसका काम क्या होता है कि जो बचा कुचा अगर थोड़ा बहुत कुछ स्पेस बचा हुआ भी है तो वो जो बचा कुचा स्पेस है उस बचे कुचे स्पेस को भी वो कवर अप कर देता है ताकि इट बिकम्स इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर। मतलब अगर आप उसमें पानी डालेंगे तो वो पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा और ना वहाँ से वाटर का कोई लॉस होता है। वाटर का जितना भी लॉस होता है, रेस्पिरेशन जितना भी होता है, वो सब लीव्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इससे हमको ये समझ में आ जाता है कि हाँ, अगर हम किसी यंग स्टेम की बात करें तो यंग स्टेम में गैसेस का एक्सचेंज भी होगा। यंग स्टेम जो है, यंग स्टेम के थ्रू जो गैस जो वाटर है, वाटर बाहर निकलेगा भी, और अगर हम वाटर डालेंगे तो वो वाटर को थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब भी करेगा। क्यों? क्योंकि भाई उस पर जो है, उस पर जो मेरिस्टम्स की जो लेयर है वो अभी, क्योंकि उसकी एज ज़्यादा हुई ही नहीं है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लेयर जमती चली जाती है और वो एक थिक कॉर्क में, एक थिक बार्क में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वजह से जो यंग स्टेम है, यंग स्टेम में और जो मेजर जो आपका बार्क ऑफ द ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर इस वजह से होता है। ठीक है, उसके थ्रू जो जो स्टेम है, स्टेम के थ्रू किसी भी तरीके का गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा, और जो यंग स्टेम है उसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो लेयर है वो अभी उतनी हार्ड, उतनी स्टिफ हुई ही नहीं है, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। समझ गए? ऑनलाइन वाले बताएं भाई, क्लियर है? निखिल? यस सर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जितना भी नोट्स बनवाता जा रहा हूँ साथ साथ लर्न करते जाइए। सिंपल परमानेंट टिश्यू में एपिडर्मिस, स्टोमेटा, मेलेनकाइमा और आपका जो है पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये सारे याद करते जाइए। Complex tissues are made of more than one type of cells. Of such complex tissues. पढ़ाई ही क्या होता है xylem और phloem? बताइए क्या होता है? सर xylem leaves पे वो minerals और water के लिए ले लिए जाने के लिए काम आता है, और phloem fruit पूरा all over plants के parts। Xylem and phloem are examples of such no.
कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, ये ना पाइप्स के जैसे बिहेव करते हैं, जैसे कि वेसल्स होती हैं वेसल्स की तरह बिहेव करते हैं। इसका ग्राफ हो बचिया चेक कर लो, पॉकेट में रख लेते हैं। ये फ़ोन भी आजकल बहुत बड़े बड़े आने लगे ना, फ़ोन खरीदने जाते हैं तो इतने बड़े बड़े फ़ोन आते हैं कि वो ना तो जीन्स की पॉकेट में आते हैं ना पैंट की पॉकेट में आते हैं। और अगर आपने पैंट पहन ली और पॉकेट में आपने मोबाइल फ़ोन डाल लिया तो आप स्कूटर पर या बाइक पर तो बैठ ही नहीं सकते, फिर उसको हाथ में लेना पड़ता है, हाथ में लेना पड़ता है वो सही है छोटा सा, क्योंकि उसमें व्हाट्सएप नहीं होता ना, इंस्टा नहीं होता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जियो वाला तो जबरदस्त है, जियो वाला जो है ना, जियो वाले की जब जैसे कॉल आती है ना किसी की बेल बजती है तो वो एक बिल्डिंग में बजेगी दूसरी बिल्डिंग में भी सुनाई देता है। और अगर कोई बेचारा थका हुआ सो रहा है तो वो तो पागल ही हो जाएगा। तो साइलम एंड फ्लोएम आर एग्जांपल्स ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। साइलम का काम क्या हो रहा है, बिल्कुल सही कह रहे थे, ये दो तरीके की टिश्यूज होती हैं। ये क्या करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो साइलम है ना, साइलम क्या करेगी कि जितने भी वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स ज़मीन के अंदर होते हैं उनको एब्जॉर्ब करती है रूट के थ्रू, और रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करके और उनको प्लांट्स के सभी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। फिर फ्लोएम की बात करते हैं, तो फ्लोएम क्या करता है कि लीव्स जो है, लीव्स में फूड प्रिपरेशन होता है, तो जो वो फूड है वो फूड सारे के सारे पूरे के पूरे जो प्लांट में डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है वो होता है फ्लोएम टिश्यू के थ्रू। क्योंकि जो टिश्यू है, ये वाली जो टिश्यू है ये बेसिकली वेसल्स के जैसी होती है, वेसल्स मतलब जैसे कि छोटे छोटे मतलब एक्चुअली लंबे लंबे पाइप्स। तो जाइलम में क्या होता है कि वो वाटर और मिनरल्स को रूट से एब्जॉर्ब करके और बाकी पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। और जो फ्लोएम है वो क्या करता है, वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन करता है। क्या सोच कर रखी है, चलिए जी। तो नोट करें, दे बोथ आर कंडक्टिंग टिश्यूज, दे बोथ आर कंडक्टिंग टिश्यूज। अच्छा तुम आ रहे हो, जो तुम्हारा बड़ा भाई है उससे तुम बातचीत करते हो आपस में, वो चुप सा रहता है, तुम मुस्कुराते रहते हो, बेचारा मुस्कुराता भी नहीं है। ऐसा तो नहीं डांट वांट करती हो उसके घर में, मतलब जैसे क्लास में यहाँ पर तुम तो हल्का हल्का सा मुस्कुराते रहते हो, वो बेचारा एकदम सीरियस रहता है, कभी कभी बोलता है, पता नहीं ये परेशान करता होगा उसको कब की बात आती है। दे बोथ आर कंडक्टिंग टिश्यूज, constitute a vascular bundle. Vascular bundle क्या होता है कि जैसे जैसे मान लीजिए एक तो ये कोई वेन चली आ रही है, वेन है जिसके थ्रू वाटर मिनरल्स वगैरह ट्रांसफर हो रहे हैं, एक कोई दूसरी वेन है वो भी इस तरह से है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये दोनों आपस में उलझी हुई हैं, आपस में उलझी हुई है। तो ऐसे बहुत सारी जो वेन्स हैं, मतलब बहुत सारी साइलम और फ्लोएम टिश्यूज आपस में उलझी हुई होती हैं, लेकिन क्या है कि वो एक दूसरे के फंक्शन को डिस्टर्ब नहीं करती, ठीक है। जो साइलम है, साइलम रूट से वाटर और मिनरल्स को लेगा और बाकी सारे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और जो फ्लोएम है वो लीव से फूड को लेगा और बाकी सारे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इनका जो ये गुच्छा तैयार होता है इसको वास्कुलर बंडल बोलते हैं। वास्कुलर किससे रिलेटेड है, वास्कुलर वेन्स से रिलेटेड है, और बंडल तो आप जानते हैं, बंडल मतलब ग्रुप, ठीक है। देखिए क्या होता है, हाँ अकेले को वास्कुलर टिश्यू भी बोलेंगे, कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलेंगे। कंडक्टिंग टिश्यू तो इस वजह से क्योंकि वो चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है, तो उसको तो हम कंडक्टर बोल देते हैं, है ना, तो इसलिए कंडक्टिंग टिश्यू बोल दिया। और वास्कुलर इस वजह से बोलते हैं कि जहाँ पर भी लिक्विड का फ्लो होता है किसी वेन के थ्रू, लिक्विड ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसको हम वास्कुलर मीडियम बोलते हैं इस वजह से। और दोनों के दोनों क्योंकि इकट्ठे हैं आपस में, मिक्स मतलब गुच्छा सा बना हुआ है, इनका एक बंडल बना हुआ है, तो इसलिए उसको वास्कुलर बंडल बोल देते हैं, ठीक है।
अब नोट करें नेक्स्ट, वस्कुलर और कंट्रैक्टिव टिश्यू इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर of the complex plants one that has made possible their survival. One that has made possible their survival in the terrestrial environment. तो ये जो होता है ना वस्कुलर और कंडक्टिव टिश्यू इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट्स. तो वस्कुलर टिश्यू हो या कंडक्टिव टिश्यू हो तो ये एक डिस्टिंक्टिव फीचर होता है कॉम्प्लेक्स प्लांट्स का. डिस्टिंक्टिव फीचर मतलब क्या है कि जो दूसरे प्लांट से उनको अलग कर देता है, ठीक. और दैट हैज मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, मतलब किसी भी तरीके का एनवायरनमेंट हो तो उसमें क्या होता है कि वो उनका सर्वाइवल पॉसिबल हो जाता है. क्यों? क्योंकि रूट्स जो हैं वो जुड़ी हुई हैं. तो कैसा भी एनवायरनमेंट हो जो साइलम है वो वाटर और मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा पूरे प्लांट्स में, और जो फ्लोएम है वो फूड का प्रॉपर जो है वो कंडक्शन करता रहेगा, फूड को पूरे के पूरे प्लांट में पहुंचाता रहेगा, ठीक है. तो ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इसका काम ही ये है कि जो भी आपकी न्यूट्रिशन वाली चीज़ें हैं प्लांट्स के लिए, तो जैसे कि वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया और फूड हो गया, उसको प्रॉपर उनका फ्लो करवाना पूरे के पूरे प्लांट की बॉडी में, ठीक है. ये काम होता है. फिर मैं पहले लिखूंगा जाइलम के बारे में समझूंगा और फिर लिखूंगा फ्लोएम के बारे में. तो आप हेडिंग डालेंगे जाइलम, पहले आप नोट करें जाइलम. जाइलम में लिखिएगा, जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीड्स वेसल्स कॉमा जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीड्स वेसल्स xylem parenchyma and xylem fibers. तो जो xylem tissue होता है, xylem tissue के अंदर ये चार चीजें होती हैं. पहला tracheids, दूसरा vessels, फिर xylem parenchyma और xylem fibers, ठीक है. अब डिटेल में देखते हैं क्या क्या है.
the cells have thick walls and many of them are dead cells. Xylem ne cells ki baat kari. The cells have thick walls and many of them are dead cells. The cells are thick walls and many of them are dead cells. Full stop. Next one, digging it. Tracheids and vessels are tubular structures. Water and minerals vertically. This allows them to transport water and minerals vertically. Full stop. The parenchyma, next one thing again. Parenchyma stores food and helps in the sideways conduction of water. Stores food and swimming and helps in the sideways. The parenchyma stores food and helps in the sideways conduction of water. Sideways conduction of water. For next again, fibers are mainly supportive in function. तो आप ये देखिएगा कि जो ये हमारा इसमें जाइलम की हम बात कर रहे हैं, तो जाइलम में क्या है कि जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेंकाइमा एंड जाइलम फाइबर्स, ये चार चीज़ें होती हैं। अब जो ट्रैकीड्स और वेसल्स होते हैं, ट्रैकीड्स और वेसल्स जो हैं वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का मतलब ट्यूब के जैसे होते हैं। तो उनका क्या काम होता है, पानी को या मिनरल्स को, जो डिसॉल्व मिनरल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करवाना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। वर्टिकली का मतलब आप समझ गए होंगे कि भाई वर्टिकली मतलब नीचे से, रूट से लेकर और फिर वर्टिकली ऊपर तक, प्लांट के बिल्कुल शूट तक, टिप तक, वहाँ तक मिनरल्स को और वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करवाना, ट्रांसपोर्टेशन करवाना, ये काम होता है ट्रैकीड्स का और वेसल्स का।
ट्रैकीट्स के क्लोज एंड्स होते हैं, तो वो क्या करेंगे, उनमें छोटे 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 पोर्स हैं, तो वहाँ से वो वाटर को मिनरल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चले जाते हैं। ये होता है, बिल्कुल सही कहा। आप देखेंगे भी, मैंने जो डायग्राम भी बनाया हुआ है उसमें भी आप ये देखेंगे कि ट्रैकीट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। इस तरीके का स्ट्रक्चर है, तो इसमें ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसमें क्या होता है कि इसमें इस तरह से छोटे 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 पोर्स होते हैं। तो क्या होता है कि भाई पानी को तो ये एब्जॉर्ब करता जा रहा है, तो ये साइड से पानी को सिक्रीट करता हुआ जाता है, ठीक है ना, पानी को, मिनरल्स को। तो जो जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट के, उसको सबको जो भी वाटर और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है वो ये फुलफिल करता हुआ जाता है ट्रैकिंग से। उसके बाद देखिएगा, द पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड, द पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड हेल्प्स इन द साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर। जो पैरेन्काइमा है वो फूड को स्टोर करने का भी काम करता है, और यही जो ट्रैकीट्स वाला है, तो ये आपस में सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। तो जो पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा ही ट्रैकीट्स को सपोर्ट करता है ताकि वो साइडवेज वाटर को कंडक्शन कर सके। वर्टिकली जो है इनके थ्रू है ना, वेसल्स के थ्रू, क्योंकि दोनों का ही काम, दोनों के दोनों साथ में ही होते हैं, ट्रैकीट्स अलग है, वेसल्स अलग है। एक्चुअली है क्या कि ये जो चारों पार्ट्स हैं ना, ये चारों के चारों होते जाइलम के अंदर ही। जाइलम जो एक टिश्यू है, उस जाइलम टिश्यू के ही चारों पार्ट्स हैं, उसके अंदर ही होते हैं। ट्रैकीट्स भी होती है, वेसल्स भी होते हैं, पैरेन्काइमा भी, और फाइबर्स भी। अभी जो फाइबर्स हैं, फाइबर्स का काम सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिव फंक्शन है। अब सपोर्टिव फंक्शन क्या है कि जिसको जिस तरीके की सपोर्ट चाहिए फाइबर वो देगा, जिसको जिस तरीके की सपोर्ट चाहिए। किसी को अगर साइडवेज कंडक्शन करना है तो साइडवेज कंडक्शन कौन कर रहा है, ट्रैकीट्स कर रहा है। तो उनको जो सपोर्ट करेगा वो भी ये फाइबर करेगा, पैरेन्काइमा भी करेगा, तो मतलब आपस में एक दूसरे को करते हैं। लेकिन फाइबर का काम ही सपोर्ट करना है, बाकी के जो तीनों पार्ट्स हैं उनके फंक्शन में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आए तो वहाँ पर सपोर्ट करने का काम फाइबर करता है। सर, ट्रैकीट्स का समझ नहीं आ रहा मुझे, मतलब वेसल्स से करते हैं ना सीधे वर्टिकल? देखिए ऐसा होता है, जो वेसल्स हैं, वेसल्स तो सीधा सीधा लेकर जाएंगे, वेसल्स तो सीधा लेकर जाएंगे इसको। लेकिन जो ट्रैकीट्स हैं, ट्रैकीट्स का काम क्या होता है, ट्रैकीट्स साइडवेज कंडक्शन करते चलेंगे। ये क्या है कि ये तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचा रहा है पानी को, तो बिल्कुल ऊपर तक पहुंचा देगा, ठीक है। और ये जो है, ये क्या कर रहा है, ये साइडवेज सब जगह देता हुआ जाता है, ये काम, ठीक है ना। साइडवेज मतलब ऐसा हो गया जैसे कि ये पाइप है, और पाइप में छोटे 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 छेद हो रखे हैं, तो वो ऐसे 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 फैलता हुआ चलता है, पानी ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा अच्छा, अब जिस तरीके से हमने देखा कि चार तरीके के पार्ट्स थे, चार कंपोनेंट्स थे साइलम के, ऐसे फ्लोएम के भी होते हैं। तो नेक्स्ट आप देखेंगे फ्लोएम, देखिएगा फ्लोएम इज मेड अप ऑफ फोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। Phloem is made up of four types of elements: sieve tubes, companion cells, phloem fiber, and phloem parenchyma. Phloem fibers and phloem parenchyma. Sieve tubes, companion cells, phloem fibers and phloem parenchyma. ठीक है, इतना करिए, बाकी अगली क्लास में कराते हैं, ठीक है। और मैं अगले एक दो दिन जो है, या तीन दिन, मैं ये आपका मोशन रिवाइज करवा सकता हूँ, उसके बाद मोशन का टेस्ट होगा सभी बच्चों को। टेंशन मत लो, करवा दो, प्रॉमिस किया है।